राम राम समय प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसेस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं घूम घूम इस चौके फुल वीडियो सॉन्ग पे, और यह है रोमियो मूवी से। इसमें है देव, उनके साथ है शुभश्री, और इस गाने को गाया श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने। तो सबसे पहले हमें सॉन्ग सुन लेते, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज, ये था सॉन्ग। और सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस गाने के जो सिंगर है, सीरियसली श्रेया घोषाल और सोनू निगम दोनों की जो वोकल है वो इतनी ज्यादा कमाल की। और वैसे इस टाइप के रोमांटिक ट्रैक के अंदर
दोनों बहुत कमाल के गाते हैं। उनकी वॉइस का टेक्सचर ही ऐसा है कि अगर वो रोमांटिक गाना गाते हैं तो वो फिर वो अलग ही लेवल पे जाके हिट करता है सीरियसली। और ये गाना बहुत ज्यादा कमाल का था, देवदा उनके साथ शुभश्री और जीतदा का म्यूजिक, मतलब जीत गांगुली का म्यूजिक है इसके अंदर, और इतने बड़े बड़े सिंगर, और वैसे बंगाली म्यूजिक के ऊपर तो कभी डाउट रहा ही नहीं है, इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट वहां से निकल के आए, सिंगर का म्यूजिक डायरेक्टर देख लीजिए, सिंगर देख लीजिए, मतलब ऐसे लगता है कि बंगाली जो सिंगर है उनकी वॉइस बहुत ज्यादा मीठी, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ज्यादा मीठी है। श्रेया घोषाल मैम को देख लीजिए, बहुत ज्यादा कमाल गाती है। हिंदी में तो हमें अच्छा लगता ही है हमेशा उनका गाना, लेकिन बंगाली में तो बहुत अलग लगता है। सोनू निगम शान को देख लीजिए, शान के हमने बहुत सारे गाने सुने तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर बात करी जाए इस गाने की तो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। जिस तरह म्यूजिक में हमें बहुत ज्यादा वैरायटी इसमें सुनने को मिली है, जिस तरह बीट्स चेंज हो रही है, अभी का गाना नहीं है ये, काफी पुराना गाना है, लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच कि आपने मैं इस वाले गाने का सजेशन दिया, उसके लिए आपको ये गाना कैसा लगा वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस अभी करते हैं इस वीडियो का लाइक, आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।